राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद भाई सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा सुधांशु भाई आप सबको संबोधित करें। सुधांशु मित्रों, आप सभी ने कई बार यह शब्द सुना होगा कि सफलता के द्वार खुल रहे हैं, आंखों के द्वार खुल रहे हैं, परंतु आज हम आपके सामने कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाएंगे जो ये दिखाएगा कि आंखों के द्वार खुलने के साथ साथ निर्लज्जता के द्वार किस प्रकार से खुल रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका वैभवपूर्ण प्रासाद, लग्जरियस महल, जिसके विषय में कई बार उनके नेता उसके बचाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तुलना करने का प्रयास करते थे, परंतु अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका आवास भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है, परंतु अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने दो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आपने उन्हें देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हरीश जी से कि पहले आप लोगों को कुछ सेकंड का एक वीडियो दिखा दें, उसके बाद हम अपना आगे का वक्तव्य आपके समक्ष रखें। मैं जा भी जाऊंगा, चार पांच कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब, चार पांच कमरे चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। ऐसे मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और मेरे हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के लिए फोन आए, उनके मैसेजेस आए जी, और मुझे लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटा घर ढूंढने की कोशिश करें। तो वो कहते हैं ना सीजन वाइज, तो वही वाली बात है, हमें तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी आपको कहते हैं फर्स्ट स्कूटरी, कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले मिलेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच नहीं रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा, आप ही की तरह जीतेगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा इस पार्टी का, आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाएगा।
जैसा कि आपने देखा कि ये सेंसर वाले जो दरवाजे हैं ये बड़े संस्थानों में, बड़ी पब्लिक प्लेसेस में, एयरपोर्ट्स में यूज किए जाते हैं, इवन कोविड से पहले भी, इसलिए ताकि लोगों को टच करने की आवश्यकता न पड़े। परंतु आपने देखा यहां तो बहुत बेहतरीन तरीके से, आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए, कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं, कहीं सत्येंद्र जैन जी बोले से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते, साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से, कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार है कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य है। अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराया दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है, कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 AC लगे हुए हैं, मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी AC लगा है, कौन भरता है उनकी AC का बिल, मैं और आप भरते हैं, आगे गौर फरमाइएगा, मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। अनुभव शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंग लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है तो यह गलत नहीं होगा, जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो ना दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब जब मीडिया के माध्यम से आपके घर के द्वार खुलकर सामने आ रहे हैं और किसी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, जाने के साथ ही खुल जाएंगे, तो मेरा मानना है कि पारदर्शी, शुचितापूर्ण नई राजनीति जैसे छलावे को देने वाले केजरीवाल जी, कृपया मीडिया को और अन्य लोगों को जाने के लिए छोड़ दीजिए ना। और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो याद रखिए कि जिसे यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि जो वक्तव्य हमने दिखाया और जो कृतित्व आपका दिखा है, कथनी और करनी में जितना बड़ा अंतर दिखा है, इसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी ढंग की बातों के कारण अक्सर संपूर्ण राजनीतिक वर्ग के बारे में जनता में अनास्था उत्पन्न होती है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है, वहीं अब आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दल विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहता हूं कि याद रखिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, जो बोलते हुए दिख रहे थे, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। लेकिन कल तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन पर दिखाई
कि अरविंद केजरीवाल के चुप रहने से कोई भी जवाब नहीं दे रहे एक सप्ताह से, कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो धुल जाएंगे या कम हो जाएंगे चुप्पी से? मुझे लग रहा है कि आज वो निशब्द हो गए हैं। आज अगर वो आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो बोले क्या, क्योंकि कई बार बहुत अधिक बोल देने से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ कुछ ये भी कह सकते हैं, शायद वो अपने बोलने कोटा पहले पूरा कर चुके हैं, जरूरत से ज्यादा बोल चुके हैं। मैं स्वर्गीय अटल जी का एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। वो ये कहते थे, बोलने के लिए बुद्ध की आवश्यकता होती है और चुप रहने के लिए विवेक की। तो ये तथाकथित सबसे पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट समय से पहले ही ज्यादा बोल चुके हैं, तो शायद अब आप लोगों के शब्दों पे बोलने के लिए वो शब्द विहीन हो गए हैं। जी सर, आपके लिए क्या सिर्फ एक नैतिक मामला है या इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार भी आपको दिखाई दे? आर्थिक भ्रष्टाचार का विषय है, राजनैतिक छल और प्रपंच का विषय है, और नैतिक दृष्टि से जनता के विश्वासघात का विषय है, और तकनीकी दृष्टि से एक ही प्रोजेक्ट के लिए 5 अलग अलग हिस्सों में उस सीमा में जाकर टेंडर जारी करना जिसमें कि आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना हो और आप अपने मन मर्जी से खर्च कर सके। जो मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 9,99,00,000 रुपए का एस्टीमेट CM ऑफिस और जो उनके स्टाफ के आवास के लिए, इतना सटीक गणना जो की 9,99,00,000, क्योंकि 10 करोड़ होते ही आपको सारी प्रक्रियाओं में आना पड़ता। तो ये टेक्निकल विषय है, तो दिस इज बोथ टेक्निकल, फाइनेंशियल, मॉरल एंड पॉलिटिकल, ऑल द 4 डायमेंशन। If LG has taken the cognizance of the matter, I think he will take any appropriate legal and technical instrument to deal with it. And as far as the government agencies is concerned, they will also deal the matter as it is required by considering all the technicalities and the legalities. But since we are the political party, so we want to ask, as a representative of political party, a political and moral answer from Aam Aadmi Party, because they try to become self-proclaimed one and only exclusive copyright holder of the morality in the politics, which has been totally shattered. माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक का सबसे बड़ा जो रोड शो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, 50 किलोमीटर का। कौन हताश था और उसके बाद कौन हताश दिखा? मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई टिप्पणी करने से पहले इस बात पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जनता का इस प्रकार का भाव है, सम्मान और स्नेह का प्रधानमंत्री जी के प्रति, इसलिए रोड शो करने की आवश्यकता अधिक होती है, और हमारे अन्य नेताओं को भी, ताकि अधिक से अधिक जनता के साथ संवाद और अधिक से अधिक जनता के साथ संपर्क किया जा सके और वह संपर्क निकट से हो सके। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिक आधार के ऊपर आरक्षण देने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। इस तरह की बात करना असंवैधानिकता है, और एक नहीं अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा यह खारिज किया जा चुका है। अब रही बात इसकी कि उनकी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि PFI जिसपे बैन है वो कहते हैं हम लगा देंगे, और बजरंग दल जिसपे वो बैन लगा ही नहीं सकते, एक राज्य सरकार होने जाते हैं उसपे कहते हैं लगा देंगे। अब आप सोचिए कि इनकी क्या बात पे भरोसा किया जाए, इस बात की करामात आप समझिए। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनकी बात की कोई वारंटी नहीं, क्या गारंटी की बात की जाए, मतलब जो हो चुका है वो कर देंगे।
और जो कर नहीं सकते वो भी कर देंगे। इसीलिए मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए ये सारे दल क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक है। और मैं पूर्व में यह बात कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, बजरंग दल पर यह प्रतिबंध लगाने का दावा नहीं कर रहे हैं, ये लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था। नियमानुसार 90 दिन के अंदर इनको कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य एक ट्रिब्यूनल के रूप में प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जो ये साबित करने में असफल रहे। और 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, संघ और बजरंग दल दोनों को आरोप से मुक्त कर दिया। और 18 जून की रिपोर्ट पड़ी है बाहरी ट्रिब्यूनल की, पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा, कोई एविडेंस ही नहीं था सरकार के पास। तो इसका मतलब चाहे भूत हो या वर्तमान हो, दोनों उनका ऐसा है तो भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। बजरंग बली का नाम लेके तो भय दूर भागता है, अब उससे भयभीत कौन होता है वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि बजरंग बली के नाम से कौन भयभीत होता है। देखिए उनके जितने भी दावे हैं इन पे भरोसा नहीं किया सकता, क्योंकि इतने वर्ष तक उन लोग जगह जगह सत्ता में रहे, 10 वर्ष केंद्र में रहे, उन्होंने नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व में इतने लंबे समय तक रहने के बाद जो काम नहीं किए। अच्छा, और कोई पार्टी कहे तो समझ में आता है, ये 55 साल इन्होंने सीधे इनके परिवार ने राज किया है 60 में से, और उसके बाद कहें अब हम ये करके दिखाएंगे, तो यानी आपके पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और फिर आपकी माता जी का डिफैक्टो रूल, और उसके बाद अब आप कहें कि हम करेंगे, तो उसे मतलब शब्दशा ना लिया जाए, हिंदी भाषी ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत होती है कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज